अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फरीन द किचन। आज हम फिर से बाहर निकल चुके हैं एक और रमज़ान डेलिकेसी कवर करने को। जैसा कि आप देख रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पर इट्स अ फुल लोड ऑफ रमज़ान डेलिकेसीज। सो आज हम आ चुके हैं हीरा स्वीट्स में। हीरा स्वीट्स ओरिजिनली एक हलवा पराठा की शॉप है। यहाँ पर हलवा पराठा बनना एकदम अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज 3:30 से हलवा पराठा का सेल चालू रहता है। सो एकदम अर्ली मॉर्निंग में प्रिपरेशन चालू होती है। जो लेफ्ट में आप जो मशीन देख रहे हैं, उसमें हलवा पराठा का जो डो है वो रेडी होता है और उसके बाद उसको हाथ से गूंथते हैं और उसके बाद वो पराठे के डो को ऐसा स्प्रेड आउट करके डीप फ्राई करते हैं, जिसमें बहुत सारा घी डालते हैं लोग। और एकदम एक ऑन एन एवरेज एक पराठा 2 से 5 मिनट में रेडी हो जाता है। और ये हम हैं हीरा स्वीट्स में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एकदम फेमस हलवा पराठा मिलता है जो एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी है। जैसा आप देख रहे हैं पराठा एकदम, इन लोगों का माल एकदम बल्क में बनता है। जैसा भी है, जो भी है, मैं आपको पूरी फुटेज कवर करके आपको बताऊंगा इन अ फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर कंटिन्यूसली पराठे और हलवा आते रहते हैं, बिकॉज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर कंटिन्यूसली पराठे और हलवे आते रहते हैं। और लोग जो है इतनी स्पीड से ही काम करते रहते हैं, इन लोग का कभी हाथ रुकता नहीं है। जो इन लोग 3:30 से स्टार्ट करते हैं सीधा, फिर वो इन लोग सहरी के टाइम तक ऐसे ही करते रहते हैं लोग, बिकॉज इन लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये आज से नहीं, ज़माने से है। एक बार बस वो फ्री हो जाए तो मैं आपको उनसे भी डिटेलिंग्स बता ही दूंगा। जो आपको जो हीरा स्वीट्स है वो कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1935 से, मेरे डैडी के हाथ का है। डैडी के हाथ का है, हाँ। और बहुत फेमस है, मैं भी यहाँ का बचपन से ही खाते रहता हूँ। मैं यहाँ पर पटेल अपार्टमेंट में रहता हूँ। अच्छा, आपका जो हलवा पराठा एकदम बढ़िया है। तो आपका जो हलवा पराठा का ये है क्या, और भी कुछ है? हम लोग स्वीट्स भी देते, समोसा भी देते, पूरी भाजी भी देते। अच्छा अच्छा, आपकी ब्रांचेस सिर्फ यहाँ पर ही है? नहीं, हमारी कोई नो ब्रांच, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ऑन एन एवरेज जो रोज जो हलवा पराठा निकलता है वो पूरा खत्म हो जाता है कि बच जाता है? खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना पूरा। तो खाली अप्रोक्सीमेटली रोज कितना माल डलता होगा? हमारे यहाँ रोज समझो 15 किलो 12 किलो। 15 किलो, माशाल्लाह 15-12 किलो खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। और किलो के हिसाब से भी आप लोग देते हो ना? हम लोग किलो के हिसाब से देते, 120 रुपया किलो के हिसाब से। हीरा स्वीट्स का दूसरा है, यहाँ पर लोग पूरी भाजी बेचते हैं। और जो भी है ये साइड पे जो है, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, वहाँ पर लोग सिर्फ हलवा पराठा एंड स्वीट्स बेचते हैं, यहाँ पर इन लोग का पूरी भाजी का है। आ रहा है जाओ लाइट में? नहीं नहीं, आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। और इनका ही है हीरा स्वीट्स। और इन लोगों का पहले जो भी था वो हलवा पराठा था। यहाँ पर ये दूसरा स्टॉल है, यहाँ पर लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पूरी भाजी रहती है? पूरी भाजी है, हाँ। मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम 7 to 11:30। ऐसा क्या हुआ कि मतलब हलवा पराठा से सीधा मसाला पे आप आ गए? नहीं, मसाले में क्या, ये दुकान असल में बिक्री थी, खरीद लिए, फिर धंधा चालू कर दिया। मसाला खरीद लिया आपने तो बढ़िया, एकदम प्रॉफिट हुआ हलवा पराठा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब कैसे, मतलब पूरी भाजी कैसे चालू हो गई? एक आदमी था, उसने बोला चालू कर। ये भी एकदम बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा ही चल रहा, आप देख ही लेना। भीड़ तो बहुत ज्यादा है ही। और ये है मस्ट है, पूरी भाजी का क्या रेट है? 20 रुपीज, 20 रुपीज पूरी और भाजी, 6 पूरी और भाजी 20 रुपीज। मेरी दुकान यहाँ उंदरिया स्टेट मस्तान तलाव मैदान के बाजू में। अच्छा, मस्तान तलाव मैदान के सामने है, उंदरिया स्टेट के कोने पे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बचपन से इनका हलवा पराठा और खा ही रहा हूँ। अभी पूरी भाजी भी आज लेके जाऊंगा इन लोग यहाँ से।